अस्सलाम वालेकुम। शब 11 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान। वक्त हुआ है हेडलाइंस का। कराची में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाबों में तब्दील। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम, मुतअद्दिद जगहों पर मुसल्ला अफराद की लूटमार। सिंध में नए बल्दियाती निजाम पर इत्तफाक हो गया, शर्जील मेमन का दावा, कहते हैं ऑर्डिनेंस चंद घंटों में जारी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में एहतसाब बिल पर इत्तफाक राय के लिए मुजाकरात, चौधरी निसार कहते हैं जरदारी और एहतसाब दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पीपल्स पार्टी ने एहतसाब बिल का नया शोशा छोड़ दिया। भर में यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकारीब, कराची तक खैबर अवाम का शहदा को खिराज अकीदत, मजार इकबाल और कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। और वाहगा बॉर्डर पर भी रिवायती जोशो खरोश देखने में आया। रहमान मलिक ने कहा है कि मुल्क के खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है, हमारे आचमी असासे दुश्मनों को खटकते हैं। दुबई और बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर आने वालों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। और सईद अजमल का वनडे में पहला, T20 में दूसरा और टेस्ट में तीसरा नंबर, आईसीसी के कान पर फिर भी जूना रिंगी। लाहौर में आवाम ने एहतजाज भी किया।